इनकम टैक्स, वो भी एक गठबंधन चल रहा है और उस गठबंधन के पीछे है अदानी जी। तो हम तो गरीब लोग आए हैं उसमें, किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। डर, पैसा, बड़ा सावधान रहना। और हम कोई पहली बार इकट्ठे, जब भी हम इकट्ठे आते हैं कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। कल मोदी जी साहब वो इकट्ठे आ गए, जो वाम माज की आत्मा को जिंदा रखता है वो संवाद ऐसा है। और जो कांग्रेस संविधान के मूल्यों को जिंदा रखता है, और दोनों जब इकट्ठे आते हैं तो देश जिंदा रहता है, समाज जिंदा रहता है। खाने का तेल, इन मुद्दों से आपका और हमारा ध्यान हटाया जा रहा है। बार बार हमें हिंदू मुसलमान, जाति बिरादरी, उस पर लड़ाया जा रहा है। जो लड़ा रहे हैं उनकी नीयत क्या है? उनकी नीयत है कि आपको इतने हजारों लोग दूर दूर से आए हैं, कहीं पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमत पर मोदी जी से कोई सवाल ना पूछे। ये सवाल, ये वाम मोर्चे से डरते हैं। ऐसे डरपोक लोगों को हराना कोई ज्यादा, दो बार हम चुनाव आयोग गए पिछले के मुद्दे को लेकर गए, त्रिपुरा में ऐसा कभी होता नहीं था जो अब हो रहा। राजनीतिक हिंसा की जो संस्कृति है वो त्रिपुरा की संस्कृति नहीं है, ये भाजपा की संस्कृति है और त्रिपुरा में लाई जा रही है। इस संस्कृति को अगर रोकना है तो अब वोट जो आप देंगे इस बल्लेबाज को जिताइएगा, तभी वो संस्कृति रुक सकती है, तभी त्रिपुरा का नाम बदनाम होने से रुक सकता है। भ्रष्टाचार ऐसा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मीडिया तो दबाव में है, यहां बैठे साथी तो शायद निडर होंगे, लेकिन दिल्ली जहां से हम आ रहे हैं, येचुरी साहब और मैं, वहां का मीडिया थोड़ा डरता है। तो कई चीजें बाहर आ नहीं रही, जब बाहर आनी शुरू होंगी, अभी तो आना शुरू हुई है, आपको समझ में आएगा किस स्तर का भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहा है, मोदी सरकार में हो रहा है। इतिहास लिखा जा रहा है, 2 तारीख को हम फिर आएंगे, येचुरी साहब शायद मुझे भी लाएंगे वापस 2 तारीख को। और जो एक एक वादा पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, नियत रखते हैं, इसलिए हम वो वादा कर रहे हैं, नहीं तो वादा करते नहीं। कांग्रेस की तो अब एक नई संस्कृति हम देख रहे हैं, हम उसको घोषणा